Hey people, so do you like pav bhaji like me? If yes, so watch this video. So for making pav bhaji, we need 4 to 5 potatoes, chopped carrots, chopped capsicum, and this carrots, and this is chopped pumpkin yani kaddu. So, अब यहाँ हमने कुकर में अपनी वेजिटेबल्स को डाल लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हमने 2 चम्मच पाव भाजी मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. अब हमें 2 विसल आने तक वेट करना है. उसके बाद इसे हमें अच्छी से ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर की हेल्प से. सो हियर आई हैव चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज है, और ये टोमेटो प्यूरी है जो 2 या 3 टोमेटो से आप बना सकते हैं. तो सबसे पहले एक यूटेंसिल में आपको बटर डालना है थोड़ा सा. सो लेट इट मेल्ट. सो इन द मीन टाइम वी विल ऐड क्यूमिन यानी 1 छोटा चम्मच जीरा. यहाँ हमारे पास अपनी गार्लिक है जो हमने चॉप कर ली थी, इसको अच्छे से मिक्स करना है. अब इसमें हमें 1 चम्मच घी ऐड करना है. एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड चॉप्ड अनियन. तो यू कैन सी कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज भी हो रहा है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी. अब हमें चॉप्ड टमाटोज से जो हमने प्यूरी बनाई थी वो हमें इसमें ऐड करनी है. ये आप मिक्सी में ग्राइंड करके बना सकते हैं ये प्यूरी, बहुत आसान तरीका है. सो इफ़ यू पीपल वांट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट दिस रेसिपी यू कैन कमेंट. सो हियर मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला 1 टीस्पून, दिस इज़ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड आमचूर पाउडर. सो दिस इज़ आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, दिस इज़ ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, एंड नाउ फाइनली अब हम डालेंगे इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून. मिक्स ऑल दीज थिंग्स. अब हम इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे. अगेन फिर हमें इसे मिक्स करना है. सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्यूम्स जनरेट हो रही हैं. इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. सो इफ़ यू आर ऑल्सो अ पाव भाजी लवर लाइक मी, यू कैन मेक इट एट होम जस्ट बाय वॉचिंग द वीडियो. यू नीड नॉट टू गो टू एनी रेस्टोरेंट टू ईट इट. अब हमें इसमें अपनी चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड करनी है क्योंकि ये अच्छे से बॉयल हो चुकी है. और अब हम इसमें वही प्यूरी ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में ग्राइंड कर ली थी. सो हियर आई हैव पीस, इसको हमने बॉईल कर लिया था अच्छे से, वो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और अच्छे से मिक्स करिए. एंड दिस इज फूड कलरिंग टू गिव अ गुड कलर टू इट. सो हियर द टाइम एंड्स फॉर वेटिंग, नाउ द टाइम स्टार्ट्स फॉर सर्विंग एंड इन्जॉइंग द रेसिपी. तो अब ये रेडी हो चुकी है और इसमें हम कोरिएंडर डाल सकते हैं, ऊपर से गार्निश कर सकते हैं जिससे बहुत ही सुंदर लगेगी. अब बारी आती है हमारे पाव की. पाव भाजी तो नाम है ही, तो इसमें पाव तो होना ही चाहिए. तो सबसे पहले हमने एक पैन में थोड़ा सा बटर ले लिया है और अपने पाव को अच्छे से गर्म कर लिया है, सेक लिया है. एंड यू कैन सर्व इट एज यू लाइक विद लेमन और बटर और चॉप्ड अनियंस. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर रिलेटिव्स और लव्ड वंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.